ये सब लोहे की कर दी, इसमें पहले कंपनी से नहीं थी भाई, ये अलग ही, आप इनके पेंट से पहचानो शायद नेट। ये देखो भाई टोटल हेलो भाई, मैं विवेक और आज कितने बजेगा अभी, अरे 5:40 क्यों बता रही है, इसका दिमाग ख़राब होगा भाई, 5:40 नहीं हो रहा सब, ये कल स्विच ऑफ हो गई थी तो टाइम गड़बड़ हो गया, 8-9 बज गई होगी। आज अब देखो करना ये है कि भाई इसकी सर्विसिंग करवा के लाते सबसे पहला काम। इसमें वैसे ऑयल डाला था वो 450 घंटे की, मतलब उसकी वो थी कैपेसिटी की, ये 450 घंटे चल जाएगा, लेकिन अपन ने इसको चला दिया भाई 330 घंटे। वैसे मैं मतलब ये ऐसा ऑयल नहीं डाला था जो लंबे समय का वो करते हैं ना दावा कि भाई साहब इसको आप 100 घंटे एक्स्ट्रा भी चला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नॉर्मल वाला ही अधिकतर डलाता हूँ, लेकिन ये डला लिया था क्योंकि मेरे को पता था सीजन में थोड़ा बहुत ऊपर चल जाएगा। अब अपन इसकी सर्विस आज करवा देते हैं क्योंकि अभी भाई थोड़ा सा और काम है अपने को, इससे कम से कम होगा 50-60 घंटे का काम तो होगा, 50-60 इतना काम है तो इसके एक बार सर्विस करा देते हैं। और अब की बार मैं सोच रहा हूँ कूलेंट वूलेंट सारा चेंज करवा देंगे, और बड्डे बॉय तो भाई सब खड़ा है, कल से आराम कर रहा, आज ये चलेगा, आज इसकी बार इसको वो करवा देते हैं इसकी सर्विस और कूलेंट, ये सारी चीज़ इसकी अपन चेंज करवा देंगे। वैसे कूलेंट 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 घंटे तक कंपनियां बोलती है कि भाई इसको चला लो, लेकिन उसको हटाना पड़ेगा पहले, लेकिन कूलेंट में इसका चेंज करवाने वाला हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 घंटे चलाता हूँ कूलेंट, अगर अच्छा होगा तो मतलब रहने देंगे, और अगर उन्होंने बोला कि थोड़ा गड़बड़ है तो फिर चेंज करवा देंगे कूलेंट को। बाकी अभी ट्रॉली खोलता हूँ, ट्रैक्टर को बाहर निकालता हूँ, उसको भी हटाना पड़ेगा, उसके बाद में भाई फिर इसको लेके चलते हैं आज सर्विसिंग पे, है ना, इसकी खली पिली करवा देते हैं, उसके बाद चलना ही चलना है, गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर इसको बेचारे को ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से खिलाना भी पड़ेगा ना, गर्मी के हिसाब से। चल इसको तो हटा, इसको निकालता हूँ, ट्रॉली तो खोल देंगे वो वहाँ, अब चलते हैं। और इसके देखो 5 बजे बता रही थी ना घड़ी, अब बता रही 6, पहले समथिंग आधा घंटे से इसकी लाइट चालू है क्योंकि चाबी बंद करना भूल गए भाई साहब। चलो चलते हैं आज इसकी सर्विस का सिस्टम करवाते हैं, सर्विस का। फाटक खोल दे यार रास्ते में, बताओ फाटक खोल दे, वो तैयार नहीं आज। आज पड़ताल चालू हो गई, क्या क्या कमी है इसमें, कूलेंट भी देख लीजिए विजय चाहिए को। ये पाइप फिसक गई भाई यार, कूलेंट निकालने की तैयारी। कहीं उखल के झिलायो ही नहीं, झिलाया नहीं, पानी बन गया तो। और जबकि एक ही बोले कि 2,000-3,000 घंटा एक चले ही सको, अभी तो अपनो कितो ज्यादा से ज्यादा 800-900 घंटा चलाए हुए अपन ने। पहली बार सैमसंग, वो सैम्पियन कौन सी है कंपनी है, वो सैमसंग, वो को डले तो मतलब बेकार हो कुछ। पूरा तेरी धूल यहाँ तक है, ये देखो रेडिएटर अब साफ होगा तब और मजा आएगा। खोखला ये देखो, ये एलईडी लाइट डलाने का यही कारण है क्योंकि अपन चाबी करना भूल जाए, बंद करना भूल जाए और फिर बैटरी उतर जाए, इसलिए ये चालू भी दिन भर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये नई वैरायटी का कूलेंट, ट्रैक्टर का भी गर्व नहीं हो सकता। निकल रहा है ये तो निकलेगा, वो तो धुआं निकल रहा है, धुआं एसिड निकाल दिया जाए, एसिड से हो गया अब ये खतरनाक वाला साफ। वैसे भी अपना ट्रैक्टर गर्म नहीं हो रहा था, हल्का सा काटा उठता था, लेकिन फिर भी अपन ने साफ कर दिया ताकि जो भी कचरा गंद है वो निकल जाए। ये देखो भाई, ये 735 का
पावर स्टीयरिंग वाला सिस्टम, बस इसको उठा के कस में ही है। बाकी तो ये सही साठ, इसकी जो सील फटी थी वो डाल दी यहाँ कहीं की, यहाँ की कहाँ की फटी थी वो डाल के रेडी। अब बस उसमें रखना है 735 में। ये लो जी इसका रेडिएटर, तो अपन ने मतलब उसमें एसिड डाला, एसिड से साफ करके वहाँ पे छोड़ दिया है जहाँ पे ट्रैक्टर धुलता है ना, तो उससे मतलब प्रेशर से अच्छी वॉशिंग हो जाएगी उसकी। और टेपिट टूपिट खोल के इनको भी एक बार देख लेते हैं कहीं क्या क्या सिस्टम है इसका। तुम्हारा पास सामान नहीं मिल रहा, बाकी वो तो घोड़ो है, कोई दिक्कत ही नहीं रही। फिर हम मॉडल छाट के लाएंगे, फिर तुम कहेगा कि यार ये का सामान फिर नहीं मिलता। कोठड़ी में से कहीं को बढ़िया आयन निकाल के दे, ट्रैक्टर नहीं बन जाए पोकता। तीन दुकानों पे से ये इतना सामान ढूंढ के निकाला, अलग अलग दुकान पे से, क्योंकि एक ही जगह तो अपना सामान मिलता है नहीं जो चाहिए वो। ये अपना एयर क्लीनर वाले फिल्टर को भी यहाँ छोड़ देते तो वॉशिंग हो जाएगी इसकी भी। स्वराज 939। हेलो भाई, स्वराज 939 ने मेरे को उतार का घर, और अभी जरा खाना वाना खा के फिर चलेंगे, क्योंकि टाइम होगा कितने बज गए, 11:56 बजने वाली है। जब तक थोड़ा बहुत काम होगा ट्रैक्टर का, वैसे तो मैं नहीं जाऊँगा जब तक नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा तो दिखाऊंगा आपको क्या क्या हो रहा है। उसका सारी सर्विसिंग एक नंबर करवा दी, ऑयल भी बढ़िया उसमें डाल दिया, और कूलेंट वूलेंट सब निकाल दिया उसका। हाँ तो था अपने ट्रैक्टर के पास, लेकिन सोलियत 50-15 से अभी रेत खाली करवा रहे। अपने ट्रैक्टर को देख के आते हैं, 4:14 हो गई, शायद उसका सारा काम ही हो गया होगा। सारा काम तो नहीं हुआ होगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत रहा होगा, बाकी तो होगा। देखो टोमी पूरा काम करवाएगा, आगे रह के रेत खाली करवा रहा, चाहे सोनू नहीं आगे रह के काम करवाए, लेकिन टोमी आगे रह के काम करवाएगा। ट्रैक्टर कैसा लग रही है बताओ पहले तो, है खतरनाक सा। इसका बम्पर टूट गया, ये एक ट्राली वाले की गलती से, ये देखो ये उसने मतलब पिछले साल ठोकी थी, तो 2-3 तो वेल्डिंग करवा ली और अब की बार खुलवाना पड़ा। एक तो ये अपना पुराना मॉडल, इसमें यहाँ से वो पूरा सिस्टम नहीं है, इसके बोल्ट अपन ने लाए यहाँ पे, देखेंगे 2 और करवा देंगे अगर हो पाए तो, क्योंकि यहाँ पे ये पत्ती लगी है तो इसमें होल कर पाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो अगर हो जाए तो फिर कितने 2, 4, 5 नट हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पे भी कसाता है ये, यहाँ पे ये वाली जो पत्ती है इसकी, देखते हैं क्या होता है। अब भाई इसको यहाँ तक लाने में हालत ख़राब हो गई, एक तो इतनी ऊपर और चढ़वाया हमसे, उसके बाद में इसमें दिक्कत ये है कि एक ट्राली वाले ने ठोका था दूसरे की गलती से, अपने को बहुत परेशान होना पड़ा। तू इधर ये मैं YouTube पे ही देख जी आप। The next day. ये लो जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल तो भाई काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ बना नहीं पाया। बाकी फिर भी इन्होंने बम्पर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और ये हॉर्न लाइट मेरा कसने का मन नहीं था, मैंने कहा भी ऐसे ही रहने दो, बट इन्होंने कस दिया जल्दबाजी में, तो इसकी वायरिंग आयरिंग तो कुछ करी नहीं है, बस ऐसे कसे हुए ही हैं ये। बाकी आज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भाई इसकी सर्विस में टोटल खर्चा कितना आया, क्योंकि इसकी सर्विस में भाई जितनी चीज़ें चेंज हो सकती थी जो नॉर्मल सर्विस में होती है, सारी भाई इसकी चेंज है। कोई सा भी इसमें ऐसा फिल्टर नहीं बचा जो चेंज नहीं किया हुआ, एयर क्लीनर फिल्टर सारा सिस्टम चेंज किया, प्लस रेडिएटर को अपन ने निकलवा के रेडिएटर को धुलवाया, सारा कुछ बढ़िया सिस्टम इसका कर दिया। मतलब अभी तक मैंने इसके रेडिएटर को नहीं खुलाया था, 10-12 साल समथिंग होगा इसको, अब मैंने इसके रेडिएटर को खुलवा के इसके अंदर एसिड डाल के फिर इसको जो अपना प्रेशर होता ना प्रेशर से धुलवाया, सारा कुछ इसका सिस्टम साफ कर दिया। प्लस यहाँ पर अगर आप एक ये नली देख रहे हो, ये चेंज करी क्योंकि ये मेरे को ऐसे लोहे वाला पाइप मिल गया था वो डाल दिया, ये सारी इसमें नली मैंने बाद में इसमें ये सब लोहे की कर दी, इसमें पहले कंपनी से नहीं थी भाई, ये अलग ही आप इनके पेंट से पहचानो, शायद नए ट्रैक्टर में ये कंपनी दे रही होगी, बाकी मेरे को पता नहीं।
अभी मेन खर्चे की बात करें तो भाई साहब इसमें ये सारे मतलब एक छोटी छोटी चीज़ भी अगर आप देखोगे ना जो ख़राब थी वो अपन ने चेंज कर दी है, कि ढक्कन भी इसका थोड़ा सा जंग पकड़ रहा था, बाकी यहाँ पे ये पाइप ये वाली वही है, बाकी ये चेंज कर दी, ये क्लैंप चेंज कर दी, ये चेंज कर दी, सारी पाइपें चेंज कर दी, क्योंकि भाई गर्मी में पाइप चेंज करना ज़रूरी था। बाकी इसके भी पिछने देखे ही था अपन ने खोले थे। और इसमें एक चीज़ और चेंज हुई है, वो है भाई इसका पीछे का ये इसमें से हल्का हल्का ऑयल आ रहा था ये वाला, तो ये भी बढ़िया कंपनी का विक्ट्री करके कोई सी कंपनी है, अच्छी वाली है। इसमें जो भी सामान डाला है वो भाई मतलब जितना बढ़िया है वो इसमें डाला, एल्फ कंपनी का इसमें ऑयल डाला है। बाकी इसमें कूलेंट भी कोई सी अच्छी कंपनी का डाला होगा, कूलेंट का मेरे को पता नहीं, खैर बिल में मैं अभी देख लूँगा। बाकी इसकी सारी सर्विस अपन ने करवाई, तो इसका मेरे पास बिल भी है, खैर बिल मेरे पास आधा है, बाकी जो दूसरी दुकानों पे से मैंने सामान लिया था वो उसका बिल नहीं है मेरे पास। एक मिनट मैं पहले बिल को ऐसे खोल के देख लेता हूँ एक बार मैं खुद, फिर आपको चलो आपको टोटल वो दिखा देता हूँ ना। ये देखो भाई टोटल 5,570 रुपये लगे, ये एक ही दुकान पे से अपन ने वो लिया था सामान, बाकी दूसरी दुकान पे से मैंने इसका लाया था लगभग 1,500-2,000 रुपये का सामान, यानी ये मान के चलो कि 6,7-7,500 समथिंग इसकी सर्विस हो गई, 7,500-8,000 रुपये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ कराया। नॉर्मल तो भाई 5-6,000 में हो जाती होगी, बाकी इसमें 8,000 रुपये समथिंग, 8,000-8,500 रुपये समथिंग इसमें लग गए, क्योंकि वेल्डिंग वेल्डिंग का भी काम था काफ़ी ज़्यादा इसमें अपन ने, ये सारा सिस्टम बाइसरा छोटी छोटी चीज़ों में भाई ज़्यादा पैसा लगता है। उसके अलावा भाई इसमें कुछ नहीं कराया, मतलब नॉर्मल सर्विस कराओगे ना 855 की तो 6,000 रुपये समथिंग में हो जाती होगी। एक तो 3,000 रुपये का तो भाई इसका ऑयल ही है, मतलब ऑयल भी अच्छा वाला है, उसके बाद में कूलेंट डाला, सारा सिस्टम अपन ने खोला था, उस चक्कर में अपना इतना खर्चा हो गया। बाकी भाई आज की वीडियो में था यही, मैं आपको यही दिखा रहा था कि ऐसे ट्रैक्टर में अगर आप सर्विस करवाते हो बढ़िया क्या क्या करवाना चाहिए और उसमें कितना खर्चा हो जाता। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।